नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हम पिछले एपिसोड में हमने बात की, स्वाति नक्षत्र प्रथम चरण अर्थात जो इसका भी कोई भी प्लैनेट तुला राशि के अंदर है और वो नवमांस में धनु राशि के अंदर चला गया, उसके बारे में। और आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि के अंदर अगर किसी का कोई प्लैनेट स्वाति नक्षत्र दूसरे चरण में है, इसका मतलब हुआ कि वो नौ मास के अंदर मकर राशि के अंदर जाएगा। मकर राशि जो सभी लोग जानते हैं कि वो हमारे कर्म अनुबंध की है, एक उस बंधन की है जो कर्म हमें परमात्मा ने करने के लिए दिया है हमारे पिछले कर्म के अनुसार। जो हमने पिछले जन्म में गलती की है उसके अनुसार हमें जो है कि एक कर्म मिला है, और वो कर्म हमें बिना किसी इस अपेक्षा के कि हमें वहां से कुछ मिलेगा, जो भी प्लेनेट वहां पर है जो उसका सिग्निफिकेशन है उसके लिए हमें काम करना है, लेकिन वहां से हमें कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। हमें बगैर फायदे के वहां पर काम करना होता है, उस प्लेनेट के लिए काम करना होता है। वजह यह होती है कि हमें वहां पर जो है कि पिछले जन्म में कुछ गलतियां की हैं उसे हमें सुधारना होता है। जिस भी रिश्ते को हमने ढंग से पिछले जन्म में नहीं निभाया या इस जन्म में नहीं निभा रहे हैं जो कि हमें निभाना चाहिए, वो हमारा जो कि मकर नवमास दिखाता है, मकर राशि दिखाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कर्म विपाक संहिता, जिसमें शिव जो हमारे भगवान है वो माँ पार्वती को कथाओं द्वारा ये समझा रहे हैं कि किस तरीके से जो है कि पिछले जन्म में मनुष्य जो कोई गलती करता है या कुछ ऐसे गलत कार्य करता है जिसकी वजह से इस जीवन में उसे उस कार्यों का प्रतिफल भोगना होता है। तो जो आज का जो हमारा एपिसोड है वो है तुला राशि मकर नवमास। कोई भी चीज जो कर्म विभाग संहिता के अंदर जो कहानियां दी गई हैं उसमें लिखा गया है कि जिसका जन्म अगर आपके स्वाति नक्षत्र दूसरे चरण में यानी कि चंद्रमा को मेन फोकस करके उन्होंने लिखा है यहाँ पर, क्योंकि जन्म जब होता है तो चंद्रमा को हम मेन मानते हैं, चंद्रमा जिस नक्षत्र के अंदर होता है उसको मेन मानते हैं। तो वो इस स्टोरी से आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे ग्रह या दूसरे हाउसेस के अंदर अगर आपका तुला राशि आती है, जैसे कि हमारे काल पुरुष कुंडली के अंदर अगर हम देखेंगे तो सातवें घर के अंदर तुला राशि आई, तो यहाँ पर जो है कि शिव भगवान जो है कि सारी भी जो बातें कर रहे हैं वो रिलेशनशिप के लिए लेकर कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पिछले एपिसोड में हमने बताया कि जो धनु नवमास के अंदर कोई प्लैनेट जाता है तो वो जो है उनके जो डिसीजंस होते हैं या जो किसी के मोह के कारण वो गलत डिसीजन लेते हैं, गलत फैसला लेते हैं, क्योंकि धनु जो होता है हमारे सामाजिक दायरों का, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के। और जो कि मकर राशि जो आज हम चर्चा करेंगे वो हमारे कर्म की है, जो हम कर्म करते हैं, स्वयं जो हम कर्म कर रहे होते हैं उसका रिजल्ट है। तो तुला राशि के अंदर जब कोई किसी का भी जो जन्म होता है तो उसके बारे में बोला गया है, जो हमारे भगवान शिव बोलते हैं माँ पार्वती को, ए देवी दक्षिण दिशा के अंदर विद्यांचल पर्वत के पास उत्तम नगर था। अब यहां पर जो विद्यांचल पर्वत को लिया गया है दक्षिण गंगा के दक्षिण तट की तरफ लिया गया है, तो वहां पर जो है कि हमारे पुरानी कथाओं में विद्यांचल पर्वत जो है उसकी काफी कथाएं हैं, और वहां पर इस पर्वत को ही लेने का कारण क्या है, उसका कारण यह है कि जहां वो पर्वत जो है अगस्त जो मुनि थे उनके जो शिष्य थे, और एक बार जो है कि हमारे कैलाश पर्वत और जो है कि विद्यांचल पर्वत के बीच में होड़ लग गई श्रेष्ठता के लिए, ऊंचाई के लिए, विशालता के लिए। तो दोनों अपना जो है कि जो शरीर था उसको विशाल बनाते चले गए, जिसके कारण जो है कि पृथ्वी के ऊपर जो है कि सूर्य की किरणें आने बंद हो गई, अंधेरा छा गया, जिससे कि देवताओं के अंदर चिंता हुई कि भाई इस तरीके से तो पृथ्वी के ऊपर जो है प्राणों की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। सूर्य की अगर रोशनी अगर पृथ्वी पर ना हो तो जीव पनपना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने जो है कि अगस्त मुनि के पास गए कि आप जो है कि विद्याचल पर्वत को बोलिए
कि थोड़ा वो रास्ता दें सूर्य की किरणों के लिए, वो आपके शिष्य हैं तो आपकी बात की अवहेलना नहीं करेंगे। तो अगस्त मुनि वहां जाते हैं, अगस्त मुनि को मालूम था कि जो एक प्रतिस्पर्धा जो कि कैलाश पर्वत से चल रही है विंध्याचल की, तो वो इस तरीके से तो मानेंगे नहीं। तो वो उनके वहां पर जाते हैं और बोलते हैं कि अपने शिष्य को कि मुझे जो है दक्षिण की तरफ जाना है, दक्षिण की तरफ जो गांव है वहां पर जाना है मेरे को किसी कार्यवश, और जो है कि आपने इतना विशाल जो है कि अपना शरीर बना रखा है तो मैं उस तरफ पार कैसे हूं, तो कृपा करके मुझे रास्ता दे। तो विंध्याचल पर्वत जो है वो अपना शरीर को झुका देता है अपने गुरु के आदेश पे, और जो उनके गुरु होते हैं वो उनको लांघते हुए जो है कि दूसरी तरफ पार होते हैं दक्षिण की तरफ, और उनको बोलते हैं कि जब तक मैं वापस ना आऊं आप इसी तरीके से झुके रहिएगा, मेरा इंतजार कीजिएगा। और उसके बाद जो है कि ऋषि वापस नहीं आते, और वो आज भी बोला जाता है कि वो विंध्याचल पर्वत जो है उनके इंतजार में झुके हुए हैं, यानी गुरु की आज्ञा का पालन, यानी कि बहुत सामाजिक दायरा, जब गुरु ने बोल दिया तो बोल दिया, वो चीज जो है कि वो वहां पर झुके हुए हैं। तो इस प्रकार का वो वहां पर बताया कि उत्तम नगर है विंध्याचल पर्वत के, तो विंध्याचल पर्वत को इसीलिए लिया गया है सिंबॉलिक के रूप में कि वहां पर जो है कि अवहेलना नहीं की जाती किसी चीज की, दायरे के अंदर रह के बहुत ही कर्म किए जाते हैं, जैसे कि शिष्य का कर्म है अपने गुरु की बात को मानना। और वहां पर एक ब्राह्मण रहता था जो कि ब्राह्मण जो कि जिसका कार्य है जिसका कि दिव्य वेदों का पढ़ाई करना या कराना, और जो है कि सबके जो कर्म कांड है उनके अंदर सहयोग को प्रदान करना। परंतु वहां पर वेद जो ब्राह्मण था वो ब्रह्म कर्म से रहित था, यानी कि ब्रह्म का कर्म, यानी ब्राह्मण का जो कर्म है, कर्म क्या है, पूजा पाठ है, संस्कार है, वो उन सब को नहीं क्या करता था, बल्कि एक व्यापारी की तरह कार्य करता था, और गौ माता सोना और जो है कि अपना हाथी वगैरह का व्यापार किया करता, जिससे कि उसने बहुत धन कमाया। क्योंकि जो है कि हमारा जो तुला राशि अमीर साहिन है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया, और वो जो कर्म कर रहा है बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, जो मकर राशि के अंदर हो गया है नवमांश के अंदर, तो उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत धन कमाया। धन कमाने के मामले में जो ये नवमांश है वो अच्छा है, अगर कोई प्लैनेट इसमें जाता है, आपका आत्मकार जाता है, चंद्रमा जाता है, आपका लगन लॉर्ड वो जाता है तुला राशि के अंदर बैठा हुआ है और मकर नवमांश के अंदर जाता है, तो हार्ड वर्किंग पैसा बहुत कमाता है वहां पर। लेकिन वो जो अपने जो कर्म है उनको छोड़ देता है, यानी ब्रह्म कर्म जो ब्राह्मण का कर्म था उन्होंने उसको छोड़ा। आप लोगों का जो कर्म है मेनली क्या है, सेवंथ हाउस रिलेशनशिप का है। पैसे आप कमा रहे हैं ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप के अंदर जो व्यक्ति है जो ब्राह्मण था, आगे शिव बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो है कि अपने ब्राह्मण अपने परिवार पर ध्यान ना देते हुए, अपनी स्त्री पर ध्यान ना देते हुए पर स्त्री गमन किया करता था, यानी दूसरों की स्त्रियों से प्रेम करता था, वहां पर रमन करता था, वहां पर पैसा खर्च करता था, लेकिन खुद अपने परिवार पे अपनी स्त्री पे अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देता था, जिसकी वजह से जो है कि जब उसका पूर्ण जन्म होता है, पहले वो नर्क भोगता है, उसके बाद जब उसका पूर्ण जन्म होता है, दोबारा जन्म होता है, तो वो धन धान्य से युक्त तो होता है परंतु वो बहुत रोगी होता है, क्योंकि उन्होंने पुराने जन्म में जो है कि बुरे कर्म किए थे, और साथ ही साथ पुत्र और स्त्री का वियोग सहता, यानी पुत्रों को मरता हुआ देखता है और रोगी होता है, ऐसा लिखा गया है। लेकिन यहां हम ये कह सकते कि पुत्र जो है कि उनकी बात ना माने, उनके पैसों का अपव्यय करें, इस प्रकार से उनको दुख देते हैं। तो उनके आपका तुला राशि आपके चार्ट में कहीं पर भी उसमें कोई प्लैनेट है, वो आपके नवमांश के अंदर, वो आपके D9 चार्ट के अंदर 10 नंबर राशि के अंदर वो प्लैनेट जाएगा, अगर स्वाति नक्षत्र दूसरे चरण में 10 नंबर जो है आपका यहां आ जाता है नवमांश के अंदर। तो यहां पर जो है कि आपको प्रॉब्लम्स जो रहेंगी वो रहेंगी जो है कि आपके फाइनेंस को इकट्ठा करने की, सेविंग्स की, फैमिली की, कुटुंब जिसको हम बोलते हैं वहां पर। और इसके अंदर अगर कोई प्लेनेट आ जाता है, मान लीजिए यहां पर मंगल आ जाता है, जो आपका जो है कि मंगल जो है कि तुला राशि के अंदर जो आपके बर्थ चार्ट के अंदर है,
और नौवां से मुझे मकर का, यहां पर मंगल उच्च का हो गया। तो वैसे जो कार्य के लिए तो ये अच्छा है, सेविंग के लिए बहुत अच्छा है मंगल, सेविंग करेगा यहां पर। लेकिन प्रॉब्लम्स कहां आएंगी, आपके ब्रदर्स से प्रॉब्लम आएंगी, कुटुंब के अंदर जो है कि ब्रदर्स से प्रॉब्लम आएंगी, तो उसको जो है कि जिसकी वजह से आपको जो है सेविंग के अंदर परेशानियां भी आ सकती हैं। लेकिन अगर आप जो है कि अपने ब्रदर्स के लिए कोई कार्य करें जिसकी आप ये अपेक्षा ना रखें कि वहां से आपको फायदा होगा, आपके भाइयों से, उनके लिए कुछ कार्य करें, तो आपका मंगल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा और आपकी सेविंग जो है कि बढ़नी चालू हो जाएगी। ये आपका कर्म है। इसी में अगर मान लीजिए आपको शुक्र है, तो जो शुक्र है ये जो है आपका रिलेशनशिप को ही दर्शाता है, और ये तुला राशि से आया है, तुला राशि भी हमारी रिलेशनशिप की है। शुक्र जो है कि हमारी वाइफ का कारक है, पत्नी का कारक है, तो यहां पर जो है कि पत्नी के प्रति आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। आप अगर पत्नी का अनादर करते हैं, पत्नी को चीट करते हैं, तो आपके जो है कि पैसों का अपव्यय होगा, आपको जो है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको अगर आप अपने वाइफ के प्रति वफादार हैं, ईमानदार हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली वो सुधर जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी को ले सकते हैं। गुरु है, मान लीजिए गुरु है, गुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन गुरु जो अगर यहां पर हैं, तो जो आपके जो गुरुजन हैं, आपके पिताश्री हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस को रूल करता है आपने नेचुरल जोड़िया में, उनके प्रति जो है कि आपका कर्म बनता है कि उनके लिए कार्य करें बगैर इस अपेक्षा के कि वहां से आपको लाभ मिलेगा। तो आपके आप किसी को वो शिक्षा दें, गुरु शिक्षा कारक भी है। और कोई भी मतलब कि इच्छा ना रखे वहां से, जन सेवा के रूप में उसे कार्य करें, तो आपका फाइनेंस काफी ऊपर जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप 10th नंबर को आप कहीं पर भी ले सकते हैं, अगर यहां लेते हैं 10 नंबर मकर राशि नौमांस के अंदर यहां पर अगर आता है, तो आपके जो है कि होम एनवायरनमेंट को दर्शाएगा, आपके वर्क प्लेस को दर्शाएगा। प्रॉब्लम आपको जो है कि वर्क प्लेस के लोगों से रह सकती है। वहां पर भी अगर आपका जो कि मंगल है, तो यहां पर आप जो है कि भाइयों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए उनकी मदद कर सकते हैं। गुरु है तो गुरु जी को ना यहां पर जो है कि मकान वगैरह के लिए या किसी चीज के लिए उनको मदद चाहिए आपकी, तो आप वहां पर उनकी मदद कर सकते हैं बगैर इस अपेक्षा के वहां से लाभ हो। मकर राशि के अंदर कोई प्लैनेट आपका गया है, तो वहां आपको उम्मीद छोड़ देनी है कि वहां से कोई चीज आपको वापसी मिलेगी, क्योंकि वो चीज वो प्लैनेट जो मकर नौमांस के अंदर गया, वहां आपने उस प्लैनेट से पिछले जन्म में कुछ गलत किया है या वहां से कुछ लिया है, तो वो आपको रिटर्न में देना है। वहां पर मान लीजिए आपने गुरु जी से पिछले जन्म में ज्ञान लिया, या हो सकता प्रॉपर्टी ली, उनको पूरे पैसे नहीं दिए, या उनको चीट किया, तो इस जन्म के अंदर इस रिश्ते को निभाना है आपको। और जहां नौमांस में गया, फोर्थ हाउस में गया, तो उनको जो है कि फोर्थ हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें गुरु जी की मदद कीजिए, तो आपको वहां पर जो है कि आपको फायदा मिलेगा आपके मकान के लिए, अगर आप वहां पर मदद करते हो। इसी प्रकार से यहां पर अगर बुध है, तो बुध आपकी बहन, बुआ, बेटी, आपके फ्रेंड, आप इनकी मदद कीजिए, फोर्थ हाउस से रिलेटेड मैटर जितने भी हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप बुध से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेटर्स हैं उनको मदद कीजिए, तो आपके जो है कि होम एनवायरनमेंट, आपका मकान बनने में जो दिक्कतें आ रही होंगी वो समाप्त हो जाएगी। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि वहां पर जो आपने पिछले जन्म में जिस भी प्लैनेट के साथ कोई बुरा किया है, वो इस जन्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके ऊपर वो अनुबंध है कर्म के, कि वो आपको कर्म करना पड़ेगा आप चाहो या ना चाहो। अगर आप इच्छा से उस कार्य को करते हैं, स्वस्थता से करते हैं, और तो आपको वहां पर फायदा होने वाला है, करना तो आपको पड़ेगा ये, क्योंकि ये अनुबंध है आपके लिए, ऊपर वाले का दिया हुआ एक कर्म है जो आपको करना पड़ेगा। मकर राशि जो है कि
उससे ऊपर उठ के अगर आप कुछ कार्य करते हैं तो आप बहुत आगे, क्योंकि इसी में उलझ के रह जाता है बंदा। मकर राशि का मीन्स क्या है, उसके उलझन है, उसके अंदर आप उलझ के रह जाते हो, उससे आगे नहीं बढ़ पाते हो। अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हो, यानी कि आप अपने बुध है तो मित्रों से अपने रिलेशन को उनके मदद करके उनको जो सॉर्ट आउट कर लेते हो जो पिछले कर्म है, तो आप बहुत ऊंचाइयां छूने वाले, बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन वहां पर आपको लगातार कार्य करते रहना पड़ेगा, ये आपका अनुबंध है वहां पर। तो इस प्रकार से जो इनका जो उपाय दिया है, जो कि भगवान शिव ने जो अपने जो मैंने अभी पहले जो कथा बताई, जिसके अंदर ये ब्राह्मण जो है कि विंध्याचल पर्वत जो कि गंगा से दक्षिण के अंदर उत्तम नगर में रहता था, और जो कि ब्रह्म कार्य से जो है कि विहीन था, ब्रह्म कार्य नहीं करता था, पर स्त्रीगमन करता था, बहुत धन कमाया उसने, धनेश्वर नाम से मशहूर हुआ, इतना धन था उसके पास। परंतु अगले जन्म में जो है कि उसको पुत्रों से पीड़ा हुई और शरीर को कष्ट हुआ, जिसके उपाय स्वरूप शिवजी बोलते हैं कि इस जन्म में जो है कि उनको जो है कि गायत्री का लक्ष्य दक्ष मतलब ये आप कह सकते हैं 1,00,000 जप करें, जो है कि सिद्ध जो है कि ब्राह्मणों से करवाएं, विष्णु की पूजा करें, और जो है कि कार्तिक महीने के अंदर जो विष्णु रूपी तुलसी होती है, जिसे श्याम तुलसी भी बोला जाता है, उसका पूजन करें कार्तिक महीने में, और अपनी स्त्री सहित दीप दान करें, यानी कि वहां पर दीप प्रज्वलित करें, और जो कि प्रतिदिन जो है विष्णु पूजा करें और गायत्री मंत्र का जप करें, तो जो जो उनके पाप है, या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। जो मेनली मकर राशि के अंदर प्लैनेट्स के लिए ही है, उनसे मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए ही है, उसका पाठ करें, तो आपका जो ये ऋण है, ये अनुबंध जो आपके ऊपर जो कर्ज है पिछले जन्म में किसी भी रिलेटिव का, कोई भी हो सकता है, मंगल है तो भाई है, बुध है तो मित्र है, शुक्र है तो वो आपकी पत्नी है, गुरु है तो वो आपके जो है कि टीचर है, अगर सन है तो वो आपके पिताजी हैं, मून है तो आपकी माता है, मन है, तो उनका कर्ज उतरता है, जिसके कारण आपका जीवन जो है कि सफल होता है। उम्मीद करता हूं आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। तो अब स्वाति नक्षत्र 30 चरण को लेकर हम जब उपस्थित होंगे, तब तक के लिए मैं आगे जाता हूं। अगर आपको यह पसंद आता तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा उत्साह वर्धन होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिनको पसंद आता है वो भी, और जिनको नहीं पसंद आता है, कोई त्रुटि नजर आती है तो उसको भी वहां पर मेंशन करें, जिससे कि मैं जो है कि उसको सुधार सकूं। आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।